गुजरात चुनाव विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर दुर्ग के भाजपा कार्यालय में फटाके फोड़ मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया, तो वहीं नारायणपुर में हुई हार पर कांग्रेस सरकार पर सत्ता बल लगाए जाने का आरोप लगाया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर गुरुवार को दुर्ग के भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं व पार्षदों तथा कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और एक दूसरे को बधाई भी दी। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली व भाजपा की विचारधारा की जीत है। गुजरात में 158 इस बात को साबित करता है। वही प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, भाजपा जिला मंत्री दिनेश देवांगन ने कहा कि गुजरात की भारी जीत भाजपा कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा उत्साह का संचार कर रही है और गुजरात की जीत के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में भाजपा को आशीर्वाद देगी। इस अवसर पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, पार्षद नरेंद्र बंजारे, अजीत वैद्य, काशीराम कोसरे, बंटी चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित होकर भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया। इस संबंध में न्यूज टीम को भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात में तो जीत हुई, बहुत भारी जीत है, तो ये पूरे देश के लिए संदेश है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, इससे देश की जनता बेहद प्रभावित है। गुजरात में हम पिछले बार 99 सीट जीते थे और इस बार 158 सीट जीते हैं। ये एक तरह से पूरे देश के लिए मैसेज है, इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम दुर्ग जिला के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उत्साह मना रहे हैं, फटाके फोड़कर मिठाई बांटकर। भानु प्रतापपुर के मामले में क्या कहना चाहेंगे? भानु प्रतापपुर चुनाव में स्पष्ट है भूपेश सरकार ने किस प्रकार के शासकीय मिशनरी का दुरुपयोग किया और छल बल से उन्होंने यह चुनाव जीता है, लेकिन हमें चिंता की बात नहीं। गुजरात की जीत के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है और छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार को 2023 में मुंहतोड़ जवाब देगी। आज गुजरात में एक प्रचंड बहुमत जिसका किसी ने सोचा नहीं था, हमने जरूर सोचा था, हमारे विपक्षी दलों ने सोचा भी नहीं था, ये उसकी खुशी है। आज सारा देश घूम रहा है। और जो छत्तीसगढ़ में भानु प्रताप का है, उसके बारे में आपने सोचा था जीत के? वहाँ आपकी हार हुई है, उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। अरे बेटा, भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड मतों से जो विजय हुए हैं, उन्हीं के जश्न मना रहे हैं। और जो अपना ये देखा जाए छत्तीसगढ़ में जो भानु प्रताप का जो रिजल्ट आया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भानु प्रताप में बहुत खरीद फरोख्त किए हैं, सब देख रहे हैं, कई कई प्रकार के कर्म किए हैं, उसके कारण है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।